हेलो एवरीवन, मैं दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो आपको बाय टाइटल पे पता ही चल गया होगा। एंड आज का वीडियो है शॉपिंग हॉल पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ शॉपिंग किया था जिसको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, मतलब यहाँ से मैंने ख़रीदा था, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से लिया था। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाना करते हैं स्टार्ट। तो एक सेकंड के अंदर को कर लेती हूँ सेट। तो चलो, कैमरा हो चुका है सेट। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे का, और ये, और इसको मैंने गोरोड से मंगाया है। बहुत बहुत अच्छा, क्वांटिटी वाइज बहुत ही अच्छा है ये। और ये मुझे 198 के अराउंड मिला था पूरा, मतलब बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी दिया है। रियॉन फैब्रिक, आपका जो फैब्रिक है वो रियॉन फैब्रिक है। और कुछ ऐसा इसका पैजामा कुछ ऐसा दिया है, नीचे चूड़ियादार पैजामा जो होता है वो, बट जस्ट इसके बगल में इलास्टिक दिया है जिससे एक अच्छा सा शेप मिल जाता है, ऐसा सिकुड़न टाइप का वो, तो ऐसा कुछ दिया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर इलास्टिक मिल जाता है। ये मेरे बेटे को टाइट होने वाला है तो मैं इसे शायद कट करके निकालूँ, अगर फिट आ जाता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसा है। एंड कुर्ते की बात करूँ तो ऐसा है, कुछ प्रिंटेड है यहाँ पे, थ्रेड का काम हुआ है रेड एंड गोल्डन से। और थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉकेट बना है उस पर ऐसा रुमाल का शेप दे के भी थोड़ा सा डिजाइन है। इधर सिंपल सा सेट और इधर जो है वो थोड़ा सा वर्क हुआ है थ्रेड का, तो इससे काफ़ी लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है इसका बाजू, जो पीछे से ये पूरा वर्क वाला है थ्रेड वर्क। देखिए मैं आपको पास से दिखा दूँ तो बहुत ही अच्छा मुझे ये मिला है। और सेकेंड बात करूँ तो ये मैंने मंगाया अपनी बेटी के लिए, और ये कब पहनेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ काफ़ी शॉपिंग कर लिया है। तो ये है उसका लहंगे का ड्रेस, ये मैंने मंगाया था दुर्गा पूजा पे उसको पहनाने के लिए, मगर उसका तबीयत सही नहीं था जिसकी वजह से मैं उसे पहना नहीं पाई। तो ऐसा है, यहाँ पे कॉटन थ्रेड से वर्क किया हुआ है, मल्टी कलर का कॉटन थ्रेड है। एंड यहाँ पे एक लेस लगा हुआ है मल्टी कलर का, और ऑरेंज कलर का ये पूरा आउटफिट है। एंड पीछे भी नेक पे ऐसे लेस लगा के वी शेप में आपको दे दिया। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल डोरी मिल जाता है, इससे क्या है अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ये है इसका दुपट्टा, चलिए ये दिखाती हूँ, दुपट्टा छोड़िए लहंगा दिखाती हूँ पहले। तो ये है लहंगा, लहंगा काफ़ी अच्छा है। और ये मैं इसका घेर देख सकते हैं, काफ़ी लेंथ तो है ये, अब घेर कितना काफ़ी है। और आपको नीचे भी ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है जैसा सेम ब्लाउज पे आपको दिया था, सेम वैसा ही आपको नीचे लहंगे पे मिल जाता है। कमर के पास ऐसे लेस लगा हुआ मिल जाता है आपको, जिससे थोड़ा सा लुक और भी गजब का लगता है। एंड इसके दुपट्टे की बात करूँ तो इस लहंगे, मतलब इसके दुपट्टे की बात करूँ तो प्योर कॉटन का है, ग्रीन कलर का है, मुश्किल से 1 मीटर तो होगा ही होगा, मेरी बेटी के लिए उतना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और साइड में ऐसा लेस मल्टी कलर का लगा हुआ है जो ब्लाउज के कॉर्नर या इस पर। और इसके फैब्रिक की बात करूँ तो ये प्योर कॉटन है, और ये मेरा, मैंने दूसरी बार ऑर्डर किया है, जो मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था उस पर मैंने पहनाया था। मैं यहाँ पर पिक लगा दूँगी, बहुत अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने इसे फिर से सेकेंड बार मंगाया, और इस बार बड़ा मंगाया, दुर्गा पूजा के लिए मंगाया था बट वो पहन नहीं पाए। तो तीसरा जो मैंने मंगाई है वो है ये, और ये मेरी बेटी पहनने वाली है भाई दूज के दिन। ये प्योर कॉटन पे है, मैं अपनी बेटी को ड्रेस मटेरियल, जो कपड़े का मटेरियल होता है उसे देख के ही मंगाती हूँ हमेशा, सॉफ्ट हो उसको, मतलब एकदम कंफर्ट सा ड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आपको पिंक गोल्डन एंड ब्लू, फिर चौड़े में पिंक में आपको बॉर्डर मिल जाता है, और बीच बीच में यहाँ पे गोल्डन से प्रिंट किया हुआ है वर्क, मतलब प्रिंटेड है, तो बहुत प्यारा है। और प्योर कॉटन पे है तो बहुत ही अच्छा, देखिए कितना,
तो बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सा है। इसका ब्लाउज की बात करें तो आपको ब्लाउज कुछ ऐसा मिल जाता है, नीचे हल्का सा सेम लहंगे वाला ही बॉर्डर आपको मिल जाता है देखने को, और ये पूरा फुल प्रिंटेड है जैसा लहंगे पे था। और इसमें भी एडजस्ट करने के लिए आपको पीछे डोरी मिल जाता है, अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे बच्चों का शॉपिंग, और भी बाबू का ड्रेस लिया गया था। क्या है, बाबू का मेरे ड्रेस ऑलमोस्ट सारे छोटे हो गए थे तो मुझे उसके लिए लेना था, और मेरे घर शादी पड़ने वाला है तो उसके हिसाब से लिया था कि बाबू इसमें ये पहन लेगा ये तो। और ये मैंने लिया था शर्ट, ये मैंने लोकल शॉप से, मतलब यहाँ के शॉप से लिया जहाँ मैं रहती हूँ महाराजन शॉप से, तो ऐसा मैंने कुछ शर्ट लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका प्रिंट। ये मैंने लिए है रिलायंस ट्रेंड से, ये हो गया पे फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया ये। तो ये मैंने सोचा था बाबू हर बार मतलब घर पे शादी पड़ता है तो कुर्ता पहनता है तो इस पर कुछ अलग पहनेगा, तो मैंने इस टाइप का कैप टाइप का टी शर्ट लिया था। देखिए ऐसा है, बहुत ही थोड़ा सा बच्चों में क्या है ना, आप तड़क फड़क ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए ये ऐसा है, आप सामने आपको पॉकेट भी मिल जाता है इसमें, दोनों साइड से एक ही पॉकेट है बट दोनों साइड से आप इसमें अपना जो भी रखना हो या निकालना हो। और ये रहा उसका जेंस, तो ये सेट मिला था मुझे, और यहाँ पे आपको लास्टिक दे देता है तो लास्टिक काफ़ी अच्छा है, मेरे बेटे को बहुत अच्छा आएगा, फिट आएगा। एंड जेंस का लेंथ भी अच्छा है, बाबू से थोड़ा सा बड़ा लिया मैंने जान के, क्योंकि मैं जब उसके साइज़ का लेती हूँ सेम साइज़ का तो ज़्यादा टाइम पहन नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिया। यहाँ पे साइड में आपको एक थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए, यहाँ पे साइड में तो जेब दिया ही दिया है, उसके नीचे भी एक फैंसी लुक देने के लिए इस जींस को आपको पॉकेट मिल जाता है, पीछे भी दो पॉकेट मिल जाता है। बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा, सॉरी एक ही पैकेट है, मुझे लगा यहाँ भी पैकेट है, तो आपको दो पैकेट मिल जाता है। तो ये है फर्स्ट, एंड सेकेंड जो मैंने लिया था वो मैंने ये लिया था, ये भी कॉम्बाइंड है, इसमें भी सेप वाइज है ये, और कौन से, और ये मैंने लिया था, और ये ग्रीन कलर का है। मैं सोची थी जब मेहंदी वाला आएगा तो उसमें सब ग्रीन, मतलब हम लोग ऐसा कुछ सोच रखे कि ग्रीन पहनेंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सोच के ले ली थी। और बाबू आई थिंक इस कलर का ड्रेस अभी तक ट्राई नहीं किया था तो मैंने ये कलर लिया, और इसके साथ आपको उसके सेम मैचिंग का, मतलब यहाँ पे जो प्रिंट दिया है वो शोल्डर पे, सॉरी चेस्ट के पास, वो क्रीम कलर का दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पैंट भी मैचिंग दिया है, इसमें भी इलास्टिक लगा हुआ है, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको लूज होता है तो। पीछे भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है सिंपल सा, एंड यहाँ पे जिप तो नहीं है बट जिप का एक लुक देने के लिए यहाँ पे एक बना हुआ है, कट हुआ है, एंड दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाता है इसमें, तो बहुत अच्छा है। फैब्रिक की बात करूँ तो बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है, कौन सी फैब्रिक है मुझे आइडिया नहीं है। और ये मैंने ड्रेस लिया था अपने हस्बैंड के लिए, तो कुर्ता पहनना है, और उसी से मैच करता ही मैंने पैंट भी लिया, ये है उनका पैंट, तो ये है उनका ड्रेस। मैं इसे ओपन नहीं कर रही क्योंकि फोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे, तो ये मैं, एंड बाबू का शूज मेरे छोटा हो गया था तो उसका शूज भी मुझे लेना था, तो मैंने ये शूज लिया, यहीं से मैंने लिया है, ऑनलाइन नहीं शॉप किया, तो देखिए सॉरी ऐसा है लुक वाइज सा कुछ ऐसा साइड से ऐसा है लुक, मुझे बहुत अच्छा लगा एक नज़र में, मतलब सबसे पहले मुझे सूज यही दिखाया तो मैं दो तीन और ऑप्शन देखी कि क्या पता इससे भी अच्छा कोई मिल जाए, बट ये मुझे उस सब देखने के बाद से ये वाला बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसे ले लिया। और ये समथिंग मुझे 400 या 500 का अराउंड मिला था, मुझे इतना याद भी नहीं, बहुत सा काम होता है तो उसमें सब भूल जाता है, मुझे बिल एक बार चेक करना पड़ेगा।
और ये बिल नहीं दिए थे, गूगल पे किए थे और बिल दिए नहीं। चलिए तो अब बारी हो गई, अब तो सब मैंने आपको जो लोकल शॉप मैंने किया था उसको दिखाया। कैसा लगा आप लोगों को मेरा शॉपिंग एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, किस टाइप का हॉल वीडियो देखना पसंद करते हैं आप। तो प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट करिएगा ताकि मैं उस टाइप का हॉल वीडियो लेके आ सकूं। और वीडियो को बहुत लाइक करते हैं और उससे क्या है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बस लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक किया करें एंड सपोर्ट ज़रूर किया करें, शेयर करें ताकि मेरा चैनल यहाँ तो है ही बट यहाँ पहुँच जाए आप लोगों की हेल्प से, तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सी यू सून, लव यू।